हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. दिस इज मृदुला जांगिड, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा. बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्पर्श गद्य भाग का पाठ 7, पतझर में टूटी पत्तियाँ. बच्चों, इसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर. रविंद्र केलेकर का जन्म 7 मार्च 1925 को हुआ था. गांधीवादी चिंतक के रूप में यह विख्यात रहे, अर्थात गांधी जी के विचारों का इनके जीवन पर विशेष प्रभाव रहा है. केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों को, उनकी मान्यताओं को, उनके विचारों को देश व समाज के विशेष दृष्टिकोण के रूप में प्रस्तुत किया है. यह कोंकणी और मराठी भाषा के प्रख्यात लेखक रहे हैं और इन्होंने कई पुरस्कारों को भी प्राप्त किया है. बच्चों, ये जो पाठ है, इस पाठ में रविंद्र केलेकर की ये विशेषता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देने का सामर्थ्य रखना, यानी ये कम से कम शब्दों में अपनी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई युक्त बात को स्पष्ट करने में सक्षम है. पतझर में टूटी पत्तियाँ जो आपका पाठ है, इसमें दो प्रसंग दिए हुए हैं. पहला प्रसंग है आपका गिन्नी का सोना और दूसरा प्रसंग है झेन की देन. बच्चों, इसका जो पहला प्रसंग है गिन्नी का सोना, यह आपके इस साल के यानी 2020-21 का जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें से इस प्रसंग को हटा दिया गया है, यानी हमें यह पाठ नहीं पढ़ना है. इसका जो दूसरा प्रसंग है झेन की देन, उसे ही हम आज पढ़ेंगे. यह जो प्रसंग है बच्चों, इस प्रसंग में बौद्ध दर्शन की ध्यान की उस पद्धति का वर्णन किया गया है जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं, यानी कुछ अपने सुकून के पल मिल जाते हैं उन्हें. बच्चों, हमारा जो दूसरा प्रसंग है झेन की देन, इसमें जो लेखक रविंद्र केलेकर हैं वो जापान में अपने एक मित्र के यहाँ जाते हैं. वहाँ पर यह जापान में मैंने एक मित्र से पूछा, रविंद्र केलेकर कह रहे हैं कि जापान में मैंने एक मित्र से पूछा यहाँ के लोगों को कौन सी बीमारियाँ अधिक होती हैं. मानसिक, उनके मित्र ने जवाब दिया, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं. बच्चों, 80% का मतलब होता है 80% लोग मनोरुग्ण हैं. मनोरुग्ण है मतलब मानसिक बीमारी से ग्रसित है. इसकी क्या वजह है, लेखक ने उनके मित्र से पूछा कि इसकी क्या वजह है. कहने लगे तो उनके मित्र ने उन्हें बताया कि हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है. रफ्तार मतलब गति, जो कार्य करने की गति है वो लगातार बढ़ती जा रही है. यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बल्कि बकता है. जब हम अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं. अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं, एक महीने में पूरा होने वाला काम एक दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे. वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसे स्पीड का इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है. फिर एक क्षण ऐसा आता है जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है और पूरा इंजन टूट जाता है. यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ गए हैं. तो उनके मित्र ने उन्हें क्या कारण बताया कि जो इनके यानी जापानी के जो लोग हैं उनके जीवन की जो रफ्तार है, यानी जीवन जीने की जो गति है, वो लगातार बढ़ती जा रही है. वहाँ जापान में, यहाँ का मतलब है जापान में, कोई चलता नहीं है बल्कि दौड़ता है, यानी कि सभी बहुत तेज गति से अपना कार्य करने का प्रयास करते हैं. कोई बोलता नहीं है बकता है, अर्थात वो निरंतर बड़बड़ाते रहते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं. जब वह अकेले होते हैं तब वह आपस में ही अपने आप ही लगातार बड़बड़ाते रहते हैं, यानी उनके मन में, उनके मस्तिष्क में उनके विचार निरंतर चलते रहते हैं. वह अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करने लगे, प्रतिस्पर्धा अर्थात कंपटीशन करने लगे, मुकाबला करने लगे हैं. अमेरिका से आगे निकलना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका सबसे ज़्यादा विकासशील देश माना जाता है और जो जापानी लोग हैं वो अमेरिका से भी आगे निकल जाना चाहते हैं. एक महीने में पूरा होने वाला काम, जो काम एक महीने में पूरा होता है उसे वह एक दिन में ही पूरा करने का प्रयास करने लगे हैं. वैसे दिमाग की रफ्तार हमेशा तेजी रहती है क्योंकि निरंतर
विचार उनके दिमाग में चलते रहते हैं, बहुत तेज गति से चलते रहते हैं, और स्पीड का इंजन लगाने पे, मतलब उनका दिमाग इतना तेज गति से चल रहा है, वो इतनी तेज गति से कार्य कर रहे हैं मानो उनके मस्तिष्क में किसी ने स्पीड का इंजन लगा दिया है, और इंजन लगाने पर वह 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगा, इतनी तीव्र गति से वह अपना कार्य करने लगे हैं। और जब इतनी तीव्र गति से अगर हम अपने मस्तिष्क को चलाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि मस्तिष्क में तनाव बढ़ जाएगा, टेंशन बढ़ जाएगी, और जब दिमाग में तनाव बढ़ जाएगा तो वो जो इंजन है जो बहुत तेज गति से चल रहा है वो अचानक से टूट जाएगा, और यही कारण है जिससे वहाँ पर मानसिक रोग निरंतर बढ़ रहे हैं। लेखक आगे बता रहे हैं कि उनके जो मित्र हैं वह उन्हें एक शाम एक टी सेरेमनी में ले गए, तो शाम को वह मुझे, वह यानी लेखक का जो मित्र है, वह उन्हें एक टी सेरेमनी में ले गए। बच्चों टी सेरेमनी क्या होता है? टी सेरेमनी का मतलब होता है चाय पीने का एक विशेष आयोजन। चाय पीने की यह एक विधि है, जो ये टी सेरेमनी इसका मतलब क्या है, चाय पीने का एक ये विशेष आयोजन है, एक विशेष प्रकार की विधि है। जापानी में उसे चा नो यू कहते हैं, और जापानी भाषा में इस चाय पीने की जो विधि है इसे चा नो यू कहते हैं, ये इस विधि का नाम है। वह एक 6 मंजिली इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों वाली और तातामी यानी चटाई की जमीन वाली एक सुंदर पर्णकुटी थी। बाहर बेढपसा एक मिट्टी का बर्तन था, उसमें पानी भरा हुआ था। अपने हाथ पांव हमने इसी पानी से धोए, तौलिए से पोछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन, चाजीन का मतलब कौन होता है बच्चों? जो चाय बना रहा था वहां पर, जो चाय बनाने का काम करता है और जो चाय पिलाने का काम करता है उसे जापानी भाषा में चाजीन कहते हैं। तो वो चाजीन बैठा था, हमें देखकर वो खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया, क्योंकि जापानी जो पद्धति होती है उसमें किसी का स्वागत करने का तरीका होता है कि कमर झुकाकर उसका अभिवादन किया जाता है। दोजो, ये दोजो जो है यह है, इसका मतलब होता है, ये जापानी भाषा है और इसका मतलब होता है आइए तशरीफ लाइए, यानी आपका स्वागत है। यह कहकर उसने स्वागत किया, बैठने की जगह हमें दिखाई, अंगीठी सुलगाई, क्योंकि वो जो चाय है वो अंगीठी पे बनाई जाती है, उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया, तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं, ये जो भी क्रियाएं वो चाजीन कर रहा था, ये सभी क्रियाएं इतनी गरिमापूर्ण ढंग से की कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जय वंती के कोई सुर गूंज रहे हैं। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खद बदाना भी सुनाई दे रहा था। तो लेखक के जो मित्र हैं वो उन्हें जहाँ लेकर गए थे, लेखक उस स्थान का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं कि वह जिस इमारत में चाय पीने के लिए गए थे वह एक 6 मंजिल की इमारत थी जिसकी छत पर दफ्ती की दीवारों, बच्चों दफ्ती का मतलब क्या होता है, कागज और रद्दी से जो बनाई जाती है, कागज और रद्दी को मिलाकर जो बनाई जाती है ऐसी दीवारें थी, और जो चटाई होती है बांस की सीकों से बनी हुई जो चटाई थी उसकी जमीन, नीचे जो जमीन थी वहां पर बांस की चटाई, बांस से बनी हुई जो चटाई होती है ना वो बिछी हुई थी, और पत्तों से बनी हुई, पर्णकुटी का मतलब होता है पत्तों से बनी हुई एक ऐसी ही पर्णकुटी थी। इसके बाहर बेढपसा यानी बेडोल सा, जिसका कोई आकार अच्छा नहीं होता है ना उसे बोलते हैं बेढपसा, यानी एक बेडोल सा मिट्टी का बर्तन था, उस बर्तन में पानी भरा हुआ था। जो भी वहाँ अंदर जाते थे पहले वो उस पानी में अपने हाथ पैर धोते थे, तौलिए से पोंछते थे, उसके बाद ही वो अंदर जाते थे। अंदर कौन है? अंदर चाजीन है। बच्चों चाजीन कौन है? जो चाय बनाता है वहाँ पर और चाय परोसने का कार्य करता है, जापानी भाषा में उसे चाजीन कहते हैं। वह उन्हें देखकर खड़ा हुआ, उन्होंने उसने जो चाजीन है उसने उन दोनों का स्वागत किया, दो झो कहकर उनका स्वागत किया, उन्हें बैठने की जगह दिखाई, अंगीठी सुलगाई। तो ये जो भी कार्य वो कर रहा था उसने चायदानी रखी,
ये जितने भी कार्य उसने किए, लेखक को ऐसा लग रहा था कि ये सभी जो क्रियाएं थी वो इतनी सलीकेदार थी, इतनी गरिमापूर्ण ढंग से उसने की थी कि उसकी हर भंगिमा से, भंगिमा का मतलब होता है बच्चों हाव भाव से, उसके जो भी कार्यकलाप थे उससे ऐसा लग रहा था, जो स्वर आ रहे थे, जो ध्वनि सुनाई दे रही थी उससे ऐसा लग रहा था मानो जय जयवंती के कोई सुर गूंज रहे हो। बच्चों जय जयवंती का अर्थ होता है ये एक प्रकार की संगीत की राग होती है, ठीक है। तो उसी तरह की सुर उन्हें सुनाई दे रहा था लेखक को उस समय, और वहाँ का जो वातावरण था वो इतना शांत था कि चायदानी का जो पानी खदबदा रहा था, यानी उबल रहा था। खदबदाना इसका मतलब क्या होता है? उबलना। जो उबलना था उसकी आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। जब आपने देखा होगा, हम भी जब किसी शांत माहौल में देखते, जैसे आप रात में सोते हो ना, अगर रात को सोते समय जब सब तरफ सन्नाटा होता है, पूरी शांति होती है, तो घड़ी की टिक टिक भी हमें बिल्कुल साफ सुनाई देती है, देती है ना बच्चों? आपने देखा होगा जब रात को हम सोते हैं तो हमें घड़ी की टिक टिक, जो कि दिन में हमें सुनाई नहीं देती है, दिन में जब हम पूरा दिन देखते हैं तो हमें वो आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब पूरी शांति होती है तब वो घड़ी की टिक टिक भी हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। तो वहाँ पर भी इसी तरह की शांति थी कि पानी के जो उबलने की आवाज़ आ रही थी वो भी पूरी तरह से स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। तो जब आवाज़ सुनाई दे रही थी उसके बाद चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। जापानी में चाय प्यालों में दी जाती है, चीनी मिट्टी के जो प्याले होते हैं ना बने हुए, उनमें दी जाती है, और वो प्याले उसने उनके सामने रख दिए। वहाँ हम तीन ही मित्र थे, तीन ही जनों को एक बार में परमिशन दी जाती है, यानी वहाँ पर तीन ही जनों को एक बार में प्रवेश दिया जाता है, इससे ज़्यादा जने वहाँ पर नहीं बुलाए जाते हैं। इस विधि में शांति ही मुख्य बात होती है। ये जो विधि जापान में प्रचलित है, इस विधि की मुख्य बात क्या होती है बच्चों? शांति। अपने मस्तिष्क को शांत करना, मस्तिष्क को शांति पहुंचाना ही इस विधि की मुख्य बात होती है। इसलिए वहां तीन से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता। प्याले में सिर्फ दो घूंट से अधिक चाय नहीं थी, सिर्फ दो घूंट चाय थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे, और वो एक एक बूंद धीरे धीरे उसको पीते रहे। करीब डेढ़ घंटे तक चुस्कियों यानी सिप कर जो करते हैं, चाय जो पी रहे थे उसका वो सिलसिला चलता रहा। पहले 10-15 मिनट, अब जब लेखक वो चाय पी रहे थे तो शुरू के 10-15 मिनट तो उन्हें कुछ भी महसूस नहीं हुआ, उन्हें कुछ भी पता नहीं चला। तो पहले के 10-15 मिनट तो मैं उलझन में रहा, असमंजस में रहा, उलझन मतलब असमंजस में पड़े रहे, उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है, थोड़ी देर में बिल्कुल बंद भी हो गई। फिर 10-15 मिनट बाद उन्हें क्या महसूस हुआ कि उनका जो दिमाग है यानी जो मस्तिष्क है उसकी रफ्तार यानी जो विचार चल रहे थे मस्तिष्क में, वो विचार धीरे धीरे शांत होते जा रहे हैं, और थोड़ी देर में उनके मस्तिष्क में जितने भी विचार चल रहे थे वो पूरी तरह से बंद हो गए। मुझे लगा मानो अनंत काल में मैं जी रहा हूँ, यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई दे रहा था। अब धीरे धीरे लेखक को ऐसा महसूस हुआ मानो वो अनंत काल में जी रहे। अनंत काल मतलब, अनंत काल का अर्थ होता है बच्चों ऐसा काल जिसका कोई अंत नहीं होता, यानी जो वर्तमान समय वो जो चल रहा था वो अनंत जितना लंबा उन्हें महसूस हो रहा था। लेखक को ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी समय से इसी तरह से बैठे हुए हैं और इसी तरह से शांति का अनुभव कर रहे हैं, यहाँ तक कि सन्नाटा यानी वो जो एकांत की जो आवाज़ थी, एकांत में जो ध्वनि थी वो भी उन्हें सुनाई दे रही थी। अब लेखक यहाँ आगे हमें समझा रहे हैं कि अक्सर हम या तो गुजरे दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में। असल में ये दोनों काल ही मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? क्योंकि एक चला गया और दूसरा आया ही नहीं है। अब बच्चों यहाँ लेखक ये समझाना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने भी देखा होगा, हम या तो अपने जीवन में कौन सी बातें करते हैं, या तो हम भूतकाल की बातें करते हैं कि हमने ये किया वो किया, हम बचपन में ये करते थे, जो भी हमारी पुरानी यादें हम उन्हें याद करते रहते हैं, या इसके अलावा हम क्या करते हैं, भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं कि हम भविष्य में ये करेंगे ये बनेंगे, जो भी हमारे भविष्य के सपने हैं हम उन्हीं में उलझे रहते हैं। लेखक हमें ये समझाना चाह रहे हैं कि
हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में, पर वास्तव में ये दोनों काल ही क्या होते हैं? मिथ्या होते हैं। मिथ्या का मतलब होता है झूठ होते हैं, असत्य होते हैं। क्यों असत्य होते हैं? क्योंकि एक चला गया, क्योंकि जो भूतकाल है वो तो चला गया, और जो समय एक बार गुजर जाता है वह पुनः लौटकर नहीं आता है, और दूसरा आया ही नहीं है। और जो भविष्यकाल है वो अभी आया ही नहीं है, वो तो भविष्य है। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है वही सत्य है। तो लेखक का कहने का, समझाने का अभिप्राय क्या है कि जो वर्तमान क्षण होता है, यानी जो वर्तमान समय होता है, वही सत्य होता है। उसी में हमें जीना चाहिए, और हमें हमेशा वर्तमान समय को देखकर ही जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग से भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए, यानी दोनों कालों पर विचार करना उन्होंने बंद कर दिया। केवल वर्तमान क्षण था जो सामने था, और वह अनंत काल जितना विस्तृत था, यानी उनके सामने केवल अभी वर्तमान समय था, यानी वो अभी सिर्फ वर्तमान समय के बारे में ही सोच रहे थे, और वो जो वर्तमान समय था वो भी अनंत काल जितना लंबा उन्हें महसूस हो रहा था। जीना किसे कहते हैं, यानी जीवन वास्तव में क्या होता है, उस दिन लेखक को मालूम हुआ। झेन की परंपरा, ये जो चाय पीने की पद्धति है ना बच्चों, ये झेन की परंपरा है। यह बड़ी देन मिली है जापानियों को, जापानियों को एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये उन्हें मिली है, जिस कारण वह अपनी व्यस्ततम दिनचर्या से कुछ सुकून भरे पल प्राप्त कर लेते हैं। तो बच्चों यही इस प्रसंग में समझाया गया है, और इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य ही शाश्वत है, यानी सत्य ही वर्तमान है, वर्तमान समय ही सत्य है, अतः हमें वर्तमान समय को देखकर ही जीना चाहिए। तो आई थिंक बच्चों आपको यह समझ में आ गया होगा। अब बच्चों इसमें केवल एक प्रश्न आपको लिखना है। बच्चों ये आंतरिक प्रश्न है जो इस प्रसंग में से दिया गया है, इसे आप अपनी बुक का जो ये ऊपर का स्पेस आपका है बुक में, यहीं पर आप लिख सकते हैं। अगर ऊपर आपके पास स्पेस की कमी हो तो आप नीचे बुक के नीचे जो आपके थोड़ी सी जगह है वहाँ पर आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं। ये दो प्रश्न हैं अथवा करके, तो आप इस प्रश्न को अपनी बुक में पेज नंबर 120 पर लिख सकते हैं। बच्चों ये आंतरिक प्रश्न है, जापान के लोग अधिकतर किस रोग से ग्रस्त हैं तथा उनके जीवन की रफ्तार कैसे बढ़ गई है? यह प्रश्न है। अब अथवा लगाकर आप एक और प्रश्न नोट कर लीजिए, जापानी लोगों में कौन कौन सी बीमारियां बढ़ रही हैं तथा इनका क्या कारण है? तो बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर है यह हमें यहीं से मिल जाएगा कि जापानी लोगों में, यहाँ के 80% लोग मनोरुग्ण हैं, और इसकी वजह क्या है, यहाँ से यहाँ तक जो पूरा पैराग्राफ है इसमें आप इसका आंसर, इसका उत्तर ढूंढ सकते हैं। यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं और प्रश्न के अनुसार आप इसका उत्तर बना सकते हैं। तो आई थिंक बच्चों आपको ये पूरा जो प्रसंग है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप इस पाठ को दोबारा अच्छे से पढ़ें और समझें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।